हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। तो उसके लिए हमें चाहिए गोभी। इसको मैंने खींचने से खींच के और निचोड़ के इसका पानी निकाल के रखा। देखिए, इसमें पानी निकाल के मैंने रखा है फेंकने का। वो और क्यों पानी निकाल के रखा है ऐसे निचोड़ के, क्योंकि वो जब मैश करेगी ना सब दे के, तो उसमें पानी आ जाता है। तो हमें जो मैं वड़ा जैसा बनाएगी वो बनाने में दिक्कत ना आएगा। इसके लिए मैंने लूज़ नहीं आएगा, इसके लिए मैं वो पानी निकाल देगी, निकाल के पहले से ही रखा। और ये गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए गोभी का बारीक काटा हुआ प्याज, अदरक मैंने कद्दूकस करके रखा इतना सा, लहसुन मैंने 8-10 लहसुन वो भी मैं कद्दूकस करके रखा, हरा मिर्ची मैंने बारीक काट करके रखा थोड़ा सा 3-4, मैदा लिया, कॉर्नफ्लावर लिया, नमक लिया, शक्कर लिया, तेल और ये रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, मैंने जितना लगेगा वो उतना डालेगी मैं इसमें। और ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, एकदम मैंने एकदम बारीक टुकड़ा करके रखा प्याज लीव्स, ऑनियन लीव्स जो है वो मैंने टुकड़ा करके रखा, अदरक वो भी मैंने बारीक टुकड़ा करके रखा, लहसुन ये भी मैंने बारीक टुकड़ा करके रखा, थोड़ी सी हरा मिर्ची वो भी टुकड़ा करके रखा। और ये मैंने सूखा ऐसा जो मंचूरियन जो बनाएगी उसको थोड़ा सा ऐसा सूखा रखेगी डिश के ऊपर गार्निश के लिए, मैंने ये गाजर और ये गोभी रखा मैंने। अब मैं शुरू करती हूँ मंचूरियन बनाना। इसमें मैंने हरा मिर्ची डाला, लहसुन डाल दिया, अदरक डाला, प्याज डाला, नमक 2 टीस्पून डालती हूँ, शक्कर देगी मैंने 1 टीस्पून स्वाद के लिए, ये थोड़ा मैश कर लेती हूँ पहले, सब मिला के मिला लेती हूँ पहले, उसके बाद मैंने अभी कॉर्नफ्लावर देगी इसमें, दो टेबल स्पून तीन टेबल स्पून डालती हूँ मैदा, देती हूँ 1 टेबल स्पून और आधा, पहले इसको मैंने मिला लेती हूँ, लगेगा तो बाद में थोड़ा सा डालेगी। सोया सॉस 1 स्पून तक दिया, देखिए सब मिला लिया मैंने इसको सब। अब मैंने ऐसा गोल गोल बॉल्स बनाती हूँ, इसके टाइप जैसा मैंने सारे गोभी को मैंने बॉल्स बना के लेती हूँ पहले, उसके बाद फ्राई करेगी इसको। गैस पे पैन रखा मैंने, पैन पे तेल गरम रखा। अब देखिए सारे बॉल्स तैयार कर लिया गोभी का,
तो तेल भी गर्म हो गया मेरा। अब मैं एक एक करके फ्राई के लिए छोड़ रही हूँ। गैस ज़रा धीमी आँच रखा। देखिए एक बार का मेरा हो गया फ्राई करके। मैंने टिश्यू पेपर में निकाल के रखती हूँ। ऐसे करके मैं सारे गोभी को फ्राई करके लेती हूँ। सारे बॉल्स को फ्राई कर लेती हूँ। देखिए मेरा बॉल्स सब फ्राई करके हो गया। अब मैं ग्रेवी बनाएगी। तेल गर्म ही है, 2 टीस्पून तक तेल रखा है इसमें। पहले मैंने अदरक लहसुन जो बारीक काटा हुआ वो मैं डालती हूँ थोड़ा गैस। और ये बनाने का टाइम पे जो ये मैं फ्राई किया ना एकदम मीडियम आँच में फ्राई किया, क्योंकि जैसे आप आँच बड़ा करके फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और अच्छा नहीं होगा खाने पे, अच्छा नहीं होगा। मेरा ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ इसको। तो ये हो गया। अब मैंने इसको ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा गैस अभी थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। मैं अदरक लहसुन दे दिया, हरा मिर्ची दे दिया, बारीक कटा हुआ प्याज डालती हूँ। अब देखिए ये सब फ्राई करके हो गया। प्याज बारीक कट के रखा था, प्याज अदरक लहसुन ये सब फ्राई करके हो गया। अब मैंने सॉस डालेगी इसमें। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस लिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस लिया, 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया। तो अब मैं सारे सॉस में मिक्स करके लिया। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब देखिए इसमें मैंने पहले तो मैंने कांदा दिया जो बारीक कट करके रखा था, अदरक लहसुन हरी मिर्ची सब फ्राई करके हो गया। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाला, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस दिया। तो अब ये फ्राई करके हो गया। इसमें मैं अभी पानी डालेगी, 1 कप पानी डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा ढक्कन लगा के रखती हूँ, जब उबाल के ऊपर आएगा तब मैंने ये बॉल्स डालेगी ऊपर। देखिए उबाल के आ गया है ऊपर। अब मैं इसके अंदर मंचूरियन सब डाल देती हूँ। इसको ऊपर से भी जो ऑनियन लीव्स जो था वो सब दे देती हूँ।
फॉलो करते हैं। अब मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर देगी, थोड़ा ऐसा पानी में घोल करके इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर को थोड़ा पानी में घोल बना के इसके ऊपर डालेगी। कॉर्नफ्लावर देते टाइम पे थोड़ा सा ऐसा हिलाते रहना चम्मच से, जैसे वो घट हो जाता है तो एक साइड में मुटली पक जाता है, तो इसलिए जैसे चम्मच से उसको चलाते रहना। मैंने और एक्स्ट्रा नमक नहीं डाला क्योंकि सॉस में नमक रहता है, इसके लिए मैं और डाली नहीं नमक। तैयार गोभी मंचूरियन। गैस बंद कर देती हूँ, हो गया गोभी मंचूरियन तैयारी ग्रेवी के साथ। प्लेट में निकाल लेती हूँ इसको। तो ये हो गया फ्राई हुआ गोभी मंचूरियन। इसको आप ऐसे ही सॉस देके खा सकता है और स्टार्टर के रूप से बहुत अच्छा है। और ये गोभी मंचूरियन ग्रेवी बनाया इसका, तो ये भी आप सर्व कर सकते हैं। अभी तैयार हो गया और इसको आप नाश्ता में मेहमान आए तो भी बना सकती है, ऐसा स्टार्टर के रूप से भी बना के दे सकता है।